सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है तुम लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में, रोड टू मसलमेनिया एपिसोड 6। हाँ, 6 या 5 मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। दोस्त फिलहाल भाई लोग अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, कुछ खाया नहीं है मैं, तो दादी का दवाई लेने जा रहा हूँ। ठीक है, लेट हो चुका है, दादी का बहुत सारा दवाई है वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। टमाटर की होच्छे तो भाई मैंने तो दवाई ले ली है, अभी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। ये बारिश का सीजन मेरे को एकदम पसंद नहीं आता है, घटिया है। छत्ती लेके निकलना भूल गया था यार। चलो अभी 11 बज चुका है, यहाँ पे बहुत भीड़ था, तो अभी हम तो कुछ घर में जाकर बना नहीं पाएंगे, लेट हो जाएगा और एक्सरसाइज करने में। अभी यहाँ से हम कचौड़ी ले लेंगे और घर में वीगन प्रोटीन तो रहेगा ही, तो घर से वीगन प्रोटीन खा लेंगे तो प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाएगा। चलो कचौड़ी से कचौड़ी ले लेते हैं दुकान से। इसीलिए मेरे को ये वेदर घटिया लग रहा है। नहीं नहीं, मैं अपना ब्लॉग के लिए बना रहा हूँ, दुकान में करूँ। इनको भैया है खिचड़ी ले रहे थे, बारिश स्टार्ट हो गया। भाई लोग मैं घर आ चुका हूँ, बहुत ही मतलब हैक्टिक तरीके से आया हूँ भाई, क्या बोले। फिलहाल चलो अभी खाना खा लेते, बहुत लेट हो गया, 12 बज चुके हैं। मैंने अभी तक एक सिंगल मील नहीं लिया, अभी तक मेरा 2 मील हो जाता था। ठीक है, कोई ना, घर का काम भी जरूरी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल चलो मील ले लेते हैं। मैंने 6 कचौड़ी लाया हूँ और मैं एक वीगन प्रोटीन शेक बना लूंगा। ठीक है, और वही फिनिश करते उसके बाद लेग वर्कआउट करेंगे, आज मेरा लेग वर्कआउट है। ठीक है, सो भाई लोग फाइनली मैं फ्रेश हो गया, आ चुका हूँ, मैं खाना खाने वाला हूँ। बहुत लेट हो चुका है, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, तो मुझे दिखाते हैं क्या कौन सा मील है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मेरे पास 7 कचौड़ी है, ठीक है, पूरी है, और यहाँ पे मैं भूल गया था, मैंने कल 500 ग्राम दही लाया था, मतलब 1/2 किलो दही लाया था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा जस्ट मिक्स सीड्स वगैरह मिला दिया है। इससे क्या तुम्हारा अच्छा खासा जिंक मैग्नीशियम वगैरह मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे है मेरा 2.5 स्कूप वीगन प्रोटीन, तो अप्रोक्सीमेट मेरे को इस मील से 70 ग्राम से ऊपर मील प्रोटीन मिल रहा है। कैसे? इससे मेरे को मिल रहा है 50 ग्राम प्रोटीन, और दही से मिल रहा है मेरे को 20 ग्राम तक प्रोटीन। और यहाँ का प्रोटीन मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी प्रोटीन होगा बट मैं यहाँ पे प्रोटीन कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से मैं 70 ग्राम इसका, 50 ग्राम और इसका 20 ग्राम हिसाब करके ले रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई लोग उसका फिनिश करते हैं, उसके बाद तुम लोगों से लेग वर्कआउट शेयर करेंगे। मैं घर में बिना कोई इक्विपमेंट में लेग वर्कआउट कैसे फिनिश कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों को वो भी शेयर करूंगा। ठीक है, और हाँ एक और बात भाई लोग, मेरे इस मील को देख के तुम मत, ये मील ट्राई मत करना, ये मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम, तुम लोगों को मालूम है मेरी दादी की तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा, और दादी के लिए मेरे को बहुत कुछ करना पड़ रहा है, तो मेडिसिन लेने जाना पड़ रहा था, पूछा लेना पड़ता, मेरे को खुद खाना बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, कभी जब मिल जाता कभी भी कर लेता हूँ, मैं तो बाहर से लेके आ जाता हूँ मैं मील काउस वगैरह, और घर में ये प्रोटीन शेक ले लेता हूँ। ठीक है, तुम लोग ये ट्राई मत करना, क्योंकि प्रॉपर मील लेना। ठीक है, और अभी मैं बल्किंग में भी हूँ तो कभी कभी चल जाता है ये बार। ठीक है, फिलहाल चलो भाई लोग फिनिश करते हैं। सो हे गाइस, मैंने अभी वर्कआउट स्टार्ट किया। ठीक है, खाना खाने के मैं 2 घंटे के बाद अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा वर्कआउट, और जल्दी स्टार्ट कर लेता क्योंकि अभी घर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, दादी को थोड़ा देखना था, इसलिए वर्कआउट करने में लेट हो जा रहा है। ठीक है, और ये मेरा नया स्पेक है, आज ही आया, मतलब वर्कआउट के लिए मैंने इसे बनाया, इसी 350 रुपये का है। ठीक है, पावर का अलग प्राइस है। ठीक है, पावर का तो नहीं बोल रहा, जस्ट फ्रेम का बोल रहा है, 350 रुपये। जैसे यूज एंड थ्रो एक फ्रेम है जिसके हेल्प से मैं वर्कआउट कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा प्लास्टिक का फ्रेम है और मेरा जो नॉर्मल फ्रेम है ना जो रोज पहनता हूँ, तो वो मेरा स्टील का फ्रेम है, तो उससे क्या होता है जब पसीना लगेगा तो उसमें जंग धर जाएगा और वो खराब हो जाएगा, इसलिए ये प्लास्टिक का फ्रेम में जंग नहीं धरेगा। ठीक है, तो फिर चलो भाई लोग बिना कोई देरी के तुमको लेग वर्कआउट का वार्म अप दिखाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग का क्वेरी रहता है कि लेग वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले कैसे वार्म अप करें, स्क्वाट से वार्म अप कर सकते हो या मैं कुछ दूसरा वार्म अप भी तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल तुम कर लेना, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो कैटन कैमल से। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे ये वाला पैर को, इस पैर को पीछे ले जाएंगे। ठीक है,
ठीक है, और अपोजिट हैंड को आगे, नी और एल्बो बेंड नहीं होगा। उसके बाद हम करेंगे ये वाला, मैं घूम के दिखाता हूँ। पैर को अगर रहें क्लोज, ये तुम्हारे इसमें लोअर ब्लैक बैक और ग्लूट्स को ओपन करके पूरा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे ये बोलो, पैर को आगे रख के, ठीक है, ऐसे क्लोज करना, ठीक है, महाकेंद्र को ओपन करना पैर को, फिर ऐसे फिर को महाकेंद्र को ओपन करना, तो ये वाला दूसरा एक वार्म अप है, देख लो। हाथ को ऐसे कुछ जगह सेट कर लेना, ठीक है, उसके बाद जितना हाथ ऊपर उठाना जितना हाथ पीछे ले जाना, नी बेंड नहीं होगा, ठीक है, नी एकदम स्ट्रेट रहेगा। ये है सेकेंड लास्ट वार्म अप, ठीक है, पैर को ऐसे थोड़ा बाहर निकल के बाद हाथ को ऐसे पकड़ लेना, ठीक है, फिर नी को लॉक कर देना ऊपर उठा के, 1 2। लास्ट वार्म अप ये है, एक ऐसा प्लेट ले लेना, अगर कोई जिम में यूज कर रहा है, अगर घर में कर रहा है तो यहाँ पे वेटेड स्कूल बैग भी यूज कर सकते हो, ठीक है, फोर फाइव सिक्स सेवन। सो फास्ट जो मेरा है वो वाला हेवी नहीं है, ठीक है, कम वेट का है, क्योंकि वार्म अप कर रहा हूँ इसके लिए, और ये मैंने पैर में ये बांधा है क्योंकि इससे मेरा क्यों ना एंकल मोबिलिटी और नी मोबिलिटी अच्छा हो जाता है, और वही इंजरी वगैरह भी नहीं होता, इससे क्योंकि कभी कभी स्क्वाट करने का टाइम क्या होता है ना, पैर तुम्हारा बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है या बाहर चला जाता है किसी का, तो मेरा क्या होता है बहुत ज्यादा ये जो नी है ना ये बाहर चला जाता है, तो इसके लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन में तुमको मिल जाएगा, तुमको चाहिए होगा तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching. Always wanted more, can you hear me? देखो भाई लोग, मैं तुमको फालतू में वीडियो लंबा नहीं दिखाना चाहता, इसलिए हर एक एक्सरसाइज का मैं एक ही सेट दिखा रहा हूँ, मतलब उसका जो लास्ट सेट हो रहा है वही मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हर एक्सरसाइज का एक ही सेट परफॉर्म कर रहा हूँ, नहीं, मैं अपना एक्सरसाइज पूरा खत्म कर रहा हूँ, तुम लोगों को सिर्फ एक सेट दिखा रहा हूँ, ये माइंड में रखना, ठीक है। That I'm a lonely soul, you love me. और हाँ भाई लोग, मैं लेग को अपनी एक ही बार ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मेरे को कम्पीट करना है मेन फिजिक्स में, ठीक है, तो इसके लिए मैं लेग को उतना ज्यादा ट्रेन नहीं करता, हफ्ते में एक बार करता हूँ, 4 एक्सरसाइज इनफ फॉर मी, और मेरा लेग अच्छे से पम्प भी हो जाता है और ग्रो भी अच्छे से हो जाता है, ठीक है। प्रोशन पैनकेक।